नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आज नालंदा जिले के बिहार शरीफ सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने सदर अस्पताल बिहार शरीफ में टीकाकरण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों हौसला बढ़ाने के लिए गुलाब का फूल भेंट किया तथा खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बिहार में टीकाकरण के प्रति लोग काफी जागरूक है और स्वास्थ्य कर्मी भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि बयान देने का अधिकार सब लोगों को है और सब लोग बयान देते हैं, और राजद के जो बड़े नेता हैं वो तो आज नहीं, कई चुनावों में बहुत बड़े बड़े बयान देते रहे हैं, और उनके जो सुपुत्र नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी बयानवीर समय समय पर बनते रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में बयान देने से जीत और हार नहीं होती, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता जिसको अपना समर्थन देती है वही विजयी होता है। और पिछले कई बार से जो दोनों विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में पिछले कई बार से लगातार वहाँ की जनता एनडीए को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपना समर्थन देती रही है, और मैं भी क्षेत्र में चुनाव प्रचार में था। बहुत साफ तौर पर वहाँ के सभी लोगों का ये मानना था कि हम ने पहले भी विकास के लिए वोट किया था और इस बार भी अपने क्षेत्र और बिहार के विकास के लिए ही वोट करेंगे।